हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज सुबह के बाद से अभी मुझे टाइम मिला है और अभी जो है वो 3:30 हो चुका है टाइम। और परसों पापा आए थे यहाँ पे आँख दिखवाने। यहाँ पे उनका पिछले साल जो है वो कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुआ था, तो रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर बुलाता है, लेकिन कोविड की वजह से नहीं आए थे। परसों आए थे पापा और उसके बाद कल दिखवाए, तो फिर से उनको कॉर्निया जो है वो ट्रांसप्लांट करने के लिए डॉक्टर बोला है। एक्चुअली क्या था ना कि इससे पहले जो हुआ था पिछले साल ऑपरेशन, तो उसमें फंगल इन्फेक्शन था बहुत ज़्यादा, तो फंगल इन्फेक्शन की वजह से उनका कॉर्निया डॉक्टर जो है वो मतलब इन्फेक्शन हटा दिया था और उसके बाद फिर ट्रांसप्लांट मतलब कॉर्निया कर दिया था। लेकिन अभी क्या है, फिर से उसी टाइम बोला था कि दोबारा आपको एक और ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो लाइट आ सकता है। सो ऐसा मतलब आएगा, ये गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे मतलब 60% है चांस कि आपका लाइट आ जाए, 40% है कि नहीं आए, तो ऐसे तो लाइट आ सकता है ऐसा डॉक्टर ने बोला था। और क्या हुआ ना कि पापा आए हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो उनको थोड़ा सा जुकाम और फीवर हो गया है। और इतनी ज़्यादा मतलब बारिश के बाद जो वो गर्मी होती है ना, उमस वाली, चिप 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 चिप, ऐसी वाली चिपचिपी वाली गर्मी, बहुत गंदी वाली गर्मी होती है। और आज धूप बहुत अच्छा निकला है, तो मम्मी का क्या काम है कि मम्मी जब भी आती हैं तो देखती हैं कि मेरा कहाँ दाल चावल सब जो है वो ख़राब तो नहीं ना हो रहा है। होता है तो छत पे वो मम्मी धूप में सुखा देती हैं, तो मम्मी जो है वो मेरा सारा दाल लेकर के, जो दाल लग रहा है मम्मी को कि ख़राब हो रहा है, वो दाल लेकर के मम्मी छत पर गई हुई हैं धूप लगवा के और लाएंगी। मैं बोली भी थी कि मम्मी छत पर डाल के और ऊपर से दुपट्टा डाल दीजिएगा, ताकि यहाँ कबूतर जो है ना बहुत ज़्यादा होता है, तो दुपट्टा डाल दीजिएगा और उसके बाद फिर आ जाइएगा। लेकिन मम्मी वहीं पे बैठ के बोली कि हम बैठते हैं वहाँ पे, और 3-4 लोगों का गेहूँ सूख रहा था, तो मम्मी को मिल गया गप करने के लिए, तो मम्मी वहाँ पर गप कर रही हैं, वो मम्मी गप कर रही हैं। और वहाँ पर हवा अच्छी आ रही है, मतलब साइड में सीढ़ियों पे बैठी हुई हैं, तो हवा अच्छी आ रही है, तो वहाँ पे मम्मी दाल सुखा रही है। और सारे लोग गेहूँ यहाँ पे धोते हैं और गेहूँ सुखाते हैं, और विंटर में तो खैर सब लोग छत पे बैठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बट समर में क्या करते हैं ना कि ऊपर से चादर जो है वो ढक ढक देते हैं गेहूं के ऊपर, ताकि कबूतर जो है वो नहीं खाए। इतना कबूतर है, लगता है कि 300-400 कबूतर है यहाँ पर ऐसे। मतलब आप अगर 5 kg अनाज रखें तो शाम में आपको मतलब 2 kg भी नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा तेज़ी से खपत करते हैं। और बाबू और कार्तिक दोनों सो गए हैं, खेल रहे थे, खेलते खेलते सो गए हैं। और आज मैं बनाई हूँ जो है वो लौकी है और नेनुआ है। अरे ये देखिए, अभी मैं सुलाई थी इनको, 2:30 हो रहा है, तो मुझे लगा कि ये सो गए हैं, लेकिन ये देखिए शैतान जाग गया, खिड़की नहीं खोलो तो ये तो है वो जाग गया है। हाँ मुझे लगा कि ये सो गया है पापा के साथ। अरे नहीं, उधर नहीं करो, लेकिन ये तो जागा हुआ है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। हाँ बर्थडे आने वाला है, हैप्पी बर्थडे में क्या चाहिए बेटू, बताओ ना क्या चाहिए तुमको। हाँ ऐसा नहीं तिरछी नजर से देखो, तुम बताओ मुझे क्या चाहिए। अच्छा ये इतना सारा चीज चाहिए तुमको, मदद चाहिए, क्यों मदद चाहिए तुमको। माची चाहिए या क्या होता है, तुम बताओ। मैं तुमको कोई गिफ्ट देना चाहती हूँ, केक चाहिए।
टमाटर चाहिए। हाँ तो ले तो लिए हैं, लेकिन तुमको क्या चाहिए? हम तो अपने पसंद से ना लिए हैं, हम अपने पसंद से गिफ्ट लिए, तुम्हारे लिए क्या लिए? हाँ वो सब ले लिए हैं, लेकिन तुम्हारे लिए क्या लिए, तुम्हारे पसंद का? हाँ तुम्हारे पसंद का कौन सा गिफ्ट बताओ? एबीसीडी वाला खरीद दे, बोलो एबीसीडी वाला। हाँ तुम बताओ ना, तुम्हारे पसंद का कौन सा गिफ्ट? ऐसा ऐसा मोबाइल चाहिए तुमको? हाँ नहीं 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 ऐसा मोबाइल तो नहीं मिलेगा, ऐसा मोबाइल तो एक ही है। तुम बताओ तुमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाँ हम वही तो बोल रहे हैं, तुमको क्या चाहिए बताओ, तुमको क्या चाहिए? हाँ तुमको क्या चाहिए, चलो ये बताओ क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? चॉकलेट? कॉटलेट नहीं, चॉकलेट। चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट, चॉकलेट बोल ना, चॉकलेट चाहिए। अच्छा लॉलीपॉप तुम्हारे लिए खरीदेंगे, ठीक है? लॉलीपॉप, 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 लॉलीपॉप। सैनिटाइजर? घर से बाहर तो गए नहीं है जो हाथ सैनिटाइज करने का जरूरत पड़ गया? कहाँ गए हैं जो सैनिटाइज करने का जरूरत पड़ गया है? सी 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 हो गया, सैनिटाइज हो गया ना। हाँ तो वही तो हम भी कर रहे, तुम और क्या चाहिए? चश्मा कैसा हो गया? चश्मा, चश्मा कैसा हो गया? चश्मा क्या चाहिए तुमको बताओ? तो सब्जी मेरी बन चुकी है, सब्जी मैं जो है वो शाम में 5 बजे ही बना ली थी सब्जी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि किचन में काम करने का मन नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है। तो फटाफट हम रोटी बना ले रहे हैं, रोटियां तो गरम गरम सेकते जाइए, खाते जाएंगे लोग तो वैसे हैं। तो अभी जो है वो रात के 8:30 बज रहे होंगे या 9:15 हो रहे होंगे, क्योंकि आज बहुत लेट तक हम लोग बस बैठे गप करते रहे, क्योंकि जब घर में ढेर सारे लोग आ जाते हैं तो अच्छा लगता है ना बहुत सारी बातें करना, तो इसकी वजह से ढेर सारी गप करते रहे, बैठे बातें करते रहे। उसके बाद फिर जैसे हुआ कि खाना खाना है, तो चलो रोटी जल्दी जल्दी सेक देते हैं, रोटी तो सिर्फ सेकना है, सब्जी मैं बना के रख चुकी थी, तो इसकी वजह से मैं रोटी यहाँ पे सेक ले रही हूँ। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा उमस वाली बारिश होती तो अच्छा होता, बट बारिश का है कि कभी भी हो जाता है कभी भी, और बारिश के बाद वाली जो गर्मी होती है वो बहुत ही गंदी वाली गर्मी होती है। तो ये है बच्चों दोनों को मैं एसी चालू कर दी हूँ, और वहाँ पे पापा हैं, दोनों बच्चे हैं, खेल रहे हैं, और हस्बैंड भी वहीं पे हैं। और देखिए हमारा रोटी हो गया है, खाना पीना अभी सब नहीं हुआ है, पापा को मैं खाना दे दी हूँ, बाकी मैं तो थोड़ा देर रेस्ट करके ही मैं खाना खाऊंगी, और मम्मी अभी नहीं खाएंगी खाना, पापा को दवाई लेना था इसलिए। और यहाँ पे दोनों बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं खिलौने से, तो यहाँ पे दोनों मस्ती कर रहे हैं। बाबू जो है वो थोड़ी देर पहले पॉटी कर दिया था, तो इसकी वजह से इसको पैंट नहीं पहनाई थी, बट अब पैंट पहना दी हूँ क्योंकि ठंडा लगेगा एसी में। यहाँ दोनों बच्चे बस खेलने में बिजी हैं, और बाबू को कार्तिक के साथ बहुत मज़ा आता है, तो आप भी इंजॉय कीजिए इनके साथ कि कितने मस्ती से खेलते हैं। और बहुत कुछ बोलने का कोशिश करता है, पता नहीं क्या क्या बोलता है, समझ में नहीं आता है, जिब्रिस ही बोलता है अभी, स्पष्ट तो बहुत सारा चीज नहीं है लेकिन बहुत कुछ बोलने का कोशिश करता है। है। तो अच्छा है, रोता नहीं है।
ये देखो देखो, अब देखिए अब दूसरा ब्लॉक से करेंगे। देखो देखो इसकी जो कर, देखो इसको हाथ पकड़ के सिखाओ। ये बड़ा मैं ऐसे चिपकेगा, ये बड़ा बड़ा है ना, तो इसको ये अच्छा लग रहा है ज्यादा। और ये थोड़ा भर दे फिर कर, क्योंकि ऐसा 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 हो जाएगा। देखिए हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए इसका ऐसे होगा, गिर गया इसको सिखाओ। 1 2 3 4 5 बना देगा। अभी बहुत सारा मिठाई रखा हुआ है, खत्म हो तो गिरेगा। चलो हटो गिरा दिया तो भूलू। गिरा दिया भैया, नहीं ऐसा नहीं करो कटी। नहीं गिरा, देखो तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है, गिराओ नहीं। अरे गिराने नहीं देना, देखो तुम्हारा हाथ पकड़ो। चलो बाबू खाना खाने। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप उन्हें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक शेयर कीजिए और इन्जॉय कीजिए मेरे वीडियो को।